गली में। हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजेस की अलग अलग राय। मामले को बड़ी बेंच को सौंपने की राय। कर्नाटक का हिजाब रो तो आपको याद ही होगा। इस मामले में और अपडेट आई है। कर्नाटक में चल रही हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च को फैसला सुनाते हुए स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड पहनने के ऑर्डर को सही बताया था। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ करीब 24 PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, जिस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु दलिया ने सुनवाई करते वे अपना फैसला रिजर्व रखा था। आज फैसला सुनाते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए PIL को रिजेक्ट किया है। वही जस्टिस सुधांशु धोलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। जस्टिस धोलिया ने कहा है कि लड़कियों की एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, लड़कियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हाई कोर्ट को धार्मिक सवालों पर नहीं जाना चाहिए था, हिजाब मसले को पर्सनल चॉइस के तौर पर लेना चाहिए था, मेरी राय अलग है, मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करता हूँ। कर्नाटक हाई कोर्ट का क्या था ऑर्डर? 11 दिनों की बहस चलने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना कंपलसरी नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्कूल यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी करना ठीक है, स्टूडेंट इससे इनकार नहीं कर सकते। मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को अपना धर्म के पालन करने का अधिकार है और कहा कि हिजाब पहनने से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ है। जब दूसरे धर्म के लोग क्रॉस या रुद्राक्ष पहन सकते हैं तो हिजाब पर बैन क्यों लगाया जा रहा है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यूनिफॉर्म के रंग का दुपट्टा पहना जा सकता है। दूसरे देशों में भी ऐसा किया गया है जहां पहनावे को मान्यता दी गई है। हिजाब एक आस्था का मामला है और सरकार एक धर्म को ही निशाना बना रही है। हिजाब के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई थी। हिजाब मुस्लिम धर्म में कंपलसरी नहीं है, हिजाब यूनिफॉर्म के बाहर से पहना जाता है, जबकि रुद्राक्ष और दूसरी सारी चीजें कपड़े के अंदर पहनी जाती है। हिजाब से स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई के माहौल पर असर पड़ता है। ईरान और कई देशों में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। दोनों जजेस के अलग अलग फैसले को देखते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने ये भी कहा है कि इस केस को अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा जा रहा है, बेंच अब इस केस पर फैसला लेगी। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए गली न्यूज के साथ बने रहे।